आज की प्रेस वार्ता का मुख्य जो एक विषय है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त जी, जिन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको वही पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने विशेष तौर से लिखा है, जिसको आरक्षण दिया जा रहा है वो सामान्य आदमी बन ही नहीं पा रहा है। समय सीमा तय हो कि वे सामान्य नागरिक कब तक बन जाएगा। जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी, मंत्री, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर भी पिछड़े ही रह जाएंगे, गरीब ही बने रहेंगे, ऐसे असफल अभियान को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं, योगेश्वर जी ने जो बात कही है आज हमारे बीच में, ये बड़ौदा का उपचुनाव आया है क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा जी, जो हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी थे, उनके देहांत के बाद ये बड़ौदा का उपचुनाव हुआ। और योगेश्वर दत्त जी, जो मेन चुनाव था हरियाणा विधानसभा का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और आप सबकी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने से पहले वो एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी, मैं कहूँगी, जिन्होंने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने मेडल लाए। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करोड़ों रुपए की राशि उनको बतौर एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते, जो हमारी पदक लाओ पद पाओ की नीति थी उसके तहत, उनको करोड़ों रुपए की राशि देकर सम्मानित करने का काम किया। और हरियाणा में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, स्पोर्ट्स कोटे का जो एक रिजर्वेशन आया, उसी के तहत ही हमारे भाई योगेश्वर दत्त जी को DSP लगाया गया। तो इसका मतलब जब उनको एक रिजर्वेशन दी गई स्पोर्ट्स कोटे की, और आज सभी खिलाड़ी इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे देश भर में इस बात की चर्चा हुई कि जो पॉलिसी हरियाणा सरकार की है, जो संदीप सिंह आज मंत्री है उनकी बाइट आपने सुनी होगी, सुशील कुमार हमारे पहलवान है उनकी सुनी होगी, साइना नेहवाल सबकी सुनी होगी आपने, तो मैं कहना चाहती हूँ किस आरक्षण की बात योगेश्वर जी कह रहे हैं। सबसे पहले तो जो उन्होंने वो राशि ली थी फिर उसको वापस करें, और डीएसपी के पद से अब, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बचकाना स्टेटमेंट देने का काम किया है, जिसकी हम सभी साथी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैडम, ये जो आरक्षण है, ये जो अनु जी एक बार वाइंड अप करने के बाद प्रश्न लिए जाएंगे, ये जो आरक्षण है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के तहत एक आरक्षण दिया गया, जो अनुसूचित जाति का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण या पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, वो हम लोगों का एक संवैधानिक अधिकार है। उसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था उसको चैलेंज नहीं कर सकती। सबसे पहले तो इस आरक्षण के खिलाफ उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उनको माफी मांगनी चाहिए। जब उन्होंने अपना शपथ पत्र भरा होगा एक प्रत्याशी के तौर पर भी, उसमें भी संविधान की शपथ लेकर ये बात कही जाती है कि हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। तो एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच के इस प्रत्याशी ने आज अपना मजाक और बीजेपी का मजाक उड़ाने का काम किया है, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने आज नीचा दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ संविधान लिखते हुए ये कहा था कि ये बहुत बढ़िया एक संविधान है, अगर कभी संविधान में कमी होगी तो वो संविधान में नहीं, इसको लागू करने वाले में होंगी। तो आज मैं कहना चाहती हूँ बीजेपी ने संविधान की, संसद की धज्जियां उड़ाने का काम किया है।